हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज के बारे में। सो जिन लोग के चार्ट में पाइसीज है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन कहीं पे भी अगर पाइसीज है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका मार्च 1 से लेके मार्च 15 तक 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो पहले हम लोग देखेंगे पाइसीज आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा। ठीक है, सो लेट अस सी पाइसीज इन लव। वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्स, द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे आ रहा है कि बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं या होने वाले हैं आपके आसपास, लोग जो आपको जो लाइक जिन्हें आपके ऊपर क्रश है। हो सकता है कोई, कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई फ्रेंड हो जो आपके फ्रेंड जोन में है, जिसे आप पे क्रश है बट उन्होंने कभी आपको कहा नहीं है, या आपका किसी और पे क्रश है बट आप उन्हें कभी कह नहीं पाए हो। बट आई थिंक इट्स अदर सिचुएशन। बट आई डेफिनेटली फाइंड कि यहाँ पे कोई एक सिचुएशन है जहाँ पे यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल बट वो बहुत ही सीक्रेटिव है। लाइक आप बहुत लोगों से वो सिचुएशन शेयर नहीं करते हो। सो ऑफ द हाई प्रीस्ट इज ऑल्सो यस कन्फ्यूजन। ओके, सो पाइसीज इन लव, पाइसीज इन लव, जजमेंट। बॉटम डेक एनर्जी है आपका डेविल। डेफिनेटली डेफिनेटली देर इज अ सिचुएशन पाइसीज। सो जो भी ये सिचुएशन है जो मुझे एनर्जी आ रहा है यहाँ से, आई डोंट नो कितने लोगों के लिए ये कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है। बहुत लोगों के लिए मे बी ये कोई क्रश है या कोई ऐसे पार्टनर है जिनके साथ आपका कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है रिलेशनशिप वगैरह का। आई थिंक ये कोई नया पार्टनर है एंड द सिचुएशन इज़ कि आपको इनके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप या सक्सेसफुल कनेक्शन चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका कोई पास्ट पार्टनर हो या प्रेजेंट पार्टनर हो जिनके साथ आप सक्सेस देखना चाहते हो, स्टेबिलिटी देखना चाहते हो, बट आपको कन्फ्यूशन है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। एंड सिंस आपको ये कन्फ्यूशन है एंड सिंस आपको लाइक ये हेजिटेशन है कि वॉट इफ ये पर्सन मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, क्या होगा तब? क्या होगा अगर हम लोगों की फ्रेंडशिप खराब हो गई? क्या होगा अगर ये मेरे बारे में उल्टा सीधा समझे? क्या होगा अगर ये पर्सन मुझे कुछ बुरा बोल दिए? वॉट हैपन? इवन इफ अगर ये कोई आपका पास्ट पर्सन है, पास्ट पार्टनर है, एक्स है, प्रेजेंट पार्टनर है, आपको डर है कि डर है रिजेक्शन का, डर है मिसबिहेवियर का, डर है कि चीज़ और भी बिगड़ जाए आपके कुछ करने से, आपके एक्शन लेने से। सो बेसिकली आप जो कर रहे हो, यू आर वेरी क्वाइट अबाउट द सिचुएशन, आप चुप रह रहे हो, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। आप बहुत ही ज़्यादा पोकर फेस लेके घूम रहे हो, पोकर फेस इन द सेंस कि आप ऐसा दिखा रहे हो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ना ही आप कोई एक्साइटमेंट शेयर कर रहे हो, ना ही आप कुछ कह रहे हो, किसी से भी कुछ शेयर कर रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हो विद द हाई प्रीस्टेस। आपका जो मन में चल रहा है इस वक्त वो है इम्पॉसिबल टू रीड फॉर समबडी एल्स, आपके आसपास के लोगों के लिए। एंड बाकियों के लिए आई थिंक आपके लाइक आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं। बहुत सारे लोग में भी आपको लाइक करते हैं या तो आपको प्रपोजल्स दे सकते हैं या रिलेशनशिप ऑफर कर सकते हैं। आपका सोशल मीडिया, लाइक आपका जो सिचुएशन है वो बहुत ही सोशल सिचुएशन है। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग अप्रोच करें, बहुत सारा आपको कमेंट्स मिले, या पीपल आर काइंड ऑफ वेरी लाइक पीपल आर एडमायरिंग यू पाइसीज। बट आपके लिए यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, कि इस सिचुएशन को लेके आखिर करना क्या है, शुड यू एक्ट और शुड यू नॉट। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे आपको एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो आप। आई थिंक यू आर वेरी मच गोइंग विद द फ्लो, यू नो, जो होगा देखा जाएगा, डिवाइनली गाइडेड, डेस्टिनी, दैट इज़ वॉट यू आर इन टू राइट नाउ। सो लेट अस सी आपके जो पर्सन है उनका क्या सिचुएशन है, एनर्जीज है इस वक्त पाइसीज। आई हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
सो मे बी ए पर्सन, वाओ, आई हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स. सो आई गेस यहाँ पे ये पर्सन मे बी कुछ स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, फिनेंशियली हो सकता है या इमोशनली भी हो सकता है, या इस पर्सन को आपके साथ कुछ स्टार्ट करने का मन है. अगर ये पर्सन आप, ओके ओके, जो कार्ड नीचे गिर गया था दैट वाज द मून कार्ड. सो एंड द टू ऑफ कप्स इन रिवर्स. ओके, सो यहाँ पे लेट्स सी, बॉटम डेक एनर्जी है टेन ऑफ सोर्ड्स. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज कंफ्यूजिंग. ओके, सो यहाँ पे जो लोग एक नया पर्सन के साथ डील कर रहे हो, लाइक ये कोई आपका क्रश है या कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका कोई पास्ट में कोई हिस्ट्री विस्ट्री नहीं है, कम्प्लीटली नया पर्सन. आई थिंक इस पर्सन ने रिसेंटली एक कोई ऐसा सिचुएशन फेस किया है जो लाइक अ ब्रेकअप या सेपरेशन, या इस पर्सन के लाइफ में कुछ एंड हुआ है रिलेशनशिप वाइज, ठीक है. एंड ये पर्सन बेसिकली अपने लाइफ में न्यू बिगेनिंग कर रहे हैं, इमोशनली मेंटली एक स्टेबल जगह ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में अपने लिए, ठीक है. एंड आई थिंक ये पर्सन अभी भी अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लाइक इनके लाइफ में पास्ट बैगेजेस है जो ये कैरी कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक ये वक्त बहुत अच्छा वक्त होगा कि आप इस पर्सन को अप्रोच करें, बिकॉज इस पर्सन को अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है. ओके, नाउ फॉर दोज जो इस पर्सन के साथ ऑलरेडी आप डील कर चुके हो, ठीक है, ये पुराना पर्सन है आपका कोई, आई कैन फील दैट दिस लाइक इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, लाइक ये पर्सन एक नया बिगेनिंग चाहते हैं आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन को फॉरवर्ड मूव कराना चाहते हैं, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूशन एंड स्टक एनर्जी. एक एनर्जी है जो कि बैलेंस नहीं है, लाइक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है. ये पर्सन पास्ट से लेके कुछ बैगेजेस कैरी कर रहे हैं, या इस पर्सन के कुछ लिमिटेशंस हैं. दिस पर्सन इज़ फीलिंग स्टक, लाइक ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये आपके रिलेशनशिप के साथ क्या करना चाहते हैं, क्या ये इसको मूव ऑन कराना चाहते हैं, सामने लेके जाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं. ये इनको क्लैरिटी नहीं है, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू ऑफर यू अ कप, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूशन है, ये पर्सन इमोशनली रेडी नहीं है कि आपको कुछ ऑफर करे. सो मे बी उस इस कारण से आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अनइमोशनल है, कोल्ड हार्टेड है, आपके लाइक जवाब नहीं दे रहे हैं आपके टेक्स्ट का, कॉल्स का, या आपके साथ प्रॉपर बिहेवियर नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक है. आई थिंक इस पर्सन को एक ब्रेक चाहिए, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेके क्या करें, या इस रिलेशनशिप का लाइक फ्यूचर क्या है. एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं. आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, फिनेंशियल स्ट्रगल्स, फैमिली स्ट्रगल्स, जो भी हो, इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रगल्स है जिसके थ्रू ये पर्सन जा रहे हैं. सो आई थिंक ये पर्सन जो चाहते हैं आपके साथ इस वक्त वो है कम्युनिकेशन, लाइक ये पर्सन कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ब्लॉक करना चाहते हैं एंड ऑल दैट. सो आई थिंक ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फ्यूचर में, बट आई डोंट रियली फील इस वक्त राइट नाउ ये पर्सन आपको शायद एक प्रॉपर स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर ना कर पाए, बट आई कैन सी कम्युनिकेशन कमिंग इन, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पे जोडियाक्स की बात करूँ, मेरे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर एंड स्पाइसी स्कॉर्पियो भी है, बट कैंसर इज डोमिनेंट, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन पाइसीज एंड लेट अस सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर और फाइनेंसेस में. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय पाइसीज. Career and finances for my Pisces. Wow. Ten of Swords, Ten of Wands.
फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ कार्ड. ठीक है. आई कैन सी स्ट्रगल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, ऑब्वियसली. बट यू नीड टू हैव फेथ पाइसिस, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे आप आपके लाइफ में देर आर थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट. लाइक आप हार्ड वर्क किए बट चीज़ें काम नहीं कर रहा है. आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उस लेवल तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो. ब्लॉकेजेस आ रहे हैं रास्ते में, प्रॉब्लम्स की क्रिएट हो रहा है. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डीमोटिवेशन, स्ट्रगल, हार्ड वर्क, फ्रस्ट्रेशन जो आप झेल रहे हो. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ रहा है. लाइक आपका जो आप जो चाहते हो लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है. आपका जो इनकम लाइक एक्सपेक्टेड है, आप उनका इनकम आपको मिल नहीं रहा है. आपको जो लग्जरी चाहिए, जो लाइफस्टाइल चाहिए, वो आपको मिल नहीं रहा है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डीमोटिवेशन कि नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है बिना वजह के. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इरिटेशन. बट इम्बैलेंस भी है क्लियरली. व्हाट आई कैन सी आपके लिए जो आ रहा है दैट इज़ स्टेबिलिटी. पाइसिस वेरी वेरी स्टेबल सिचुएशन आ रहा है. ये जो भी इम्बैलेंस है आई थिंक वो सही हो जाएगा, स्पेशली रिगार्डिंग योर करियर एंड योर मनी, स्पेशली मनी. सो जो लोगों के पास आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंशियल बर्डन्स है आपके सर पे, आई थिंक आप थोड़ा सा बेटर महसूस करोगे. देर इज़ गोइंग टू बी अ रीस्टार्ट ऑफ समथिंग. सो अगर पास्ट में आपका फाइनेंसेस बहुत अच्छे थे बट रिसेंटली आपने बहुत लॉसेस गेन किया है, लाइक पास्ट में सपोज आप पर मंथ फॉर एग्जांपल से 50,000 रुपीज़ अर्न करते थे एंड इस वक्त आप मे बी 30,000 अर्न करते हो एंड आपको ऐसा लगता है कि आप जितना भी मेहनत कर लो आपको 50,000 नहीं मिलता है, आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलता है, काम के हिसाब से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है. आई थिंक दैट इज़ गोइंग अवे. ठीक है, दैट इज़ गोइंग अवे. बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए उसके लिए. लाइक एक्स्ट्रा करना चाहिए इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा मे बी मेहनत करना पड़े या ओवर टाइम करना पड़े या कुछ हटके करना पड़े. सो अगर आपके मन में कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं कि आप वो एक्स्ट्रा पैसा जो आपको नहीं मिल रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जो आपको नहीं मिल रहा था वो आपको कैसे मिलेगा, आई थिंक वो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने से मिल सकता है. देर इज़ अ चांस कि सपोज़ आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे या अपने बिजनेस में कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे, अपने आपके माइंड में कुछ आइडिया है कि अगर मैं अपना पूरा दिन ऐसे प्लान करूँ, अगर मैं ऐसे शेड्यूल करूँ, अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम करूँ, अगर मैं ये वो करूँ, तो शायद लाइक वो मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा. आई थिंक येस, वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा. सो अगर आपके माइंड में ऐसे आइडियाज़ है, प्लीज़ उस आइडियाज़ को काम पे लगाओ. ठीक है. एंड बाकियों के लिए आई थिंक सिंस आपके सर पे इतना बोझ है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, डीमोटिवेशन है, आई थिंक आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया था इन द पास्ट, जो वापस आ रहा है. सो अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, प्लीज़ ट्राई करो प्रोडक्टिव रहने की. जितना हो सके, जितना भी मुश्किल हो, ट्राई करो प्रोडक्टिव रहने की. बिकॉज जितना आप प्रोडक्टिव रहोगे आपका बैलेंस उतना अच्छा होता रहेगा. ट्रस्ट मी और नॉट, स्टेबिलिटी आएगा आपकी सिचुएशन में, डू नॉट वरी. एंड ये जो नया बिगिनिंग आ रहा है इस एंडिंग के साथ, दिस इज़ विथ योर हार्ड वर्क. आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो एंड आप अपने आइडियाज़ को काम पे लगा रहे हो. दैट इज़ द रीज़न ये नया बिगिनिंग हो रहा है आपके लाइफ में. ठीक है. सो पुट सम एफर्ट्स इन एंड कोशिश करो कुछ एक्स्ट्रा सोचने की, कुछ डिफरेंटली करने की. डोंट हैव टू फॉलो द जनरल रूल कि आज तक यही करता है इसलिए यही करूँगा एंड नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग मोर. डोंट वरी. सो लेट अस सी आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या होगा. एडवाइस, नाइन ऑफ कप्स, जनरल, वाओ, डेथ इन रिवर्स, टावर, ओके, फाइव ऑफ वॉन्स, जनरल मैसेजेस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड. ठीक है.
सो पाइसीज, आई थिंक आपके लिए जो जानना सबसे ज़रूरी है इस वक्त इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए किसी सिचुएशन में पाइसीज। हो सकता है वो आपके करियर में हो, चाहे हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप मैरिज में या फ्रेंडशिप हेल्थ कहीं पे भी हो सकता है, बट यू आर विशिंग फॉर स्टेबिलिटी, यू आर विशिंग फॉर योर टेन ऑफ पेंटिकल्स। आप प्रे कर रहे हो इस टेन ऑफ पेंटिकल्स के लिए। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में, इट कैन बी एनीथिंग, ये जनरल मैसेजेस है जिसके साथ आपको रेजोनेट करें। बट यू नो वॉट, ओके लेट मी पुट इट दिस वे, मुझे यहाँ पे दो डिफरेंट एनर्जीज आ रहा है, दो डिफरेंट। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए दिस इज अबाउट अ लेसन, ठीक है? आपके लाइफ में एक पैटर्न फॉलो होगा, ध्यान रखना, एक पैटर्न फॉलो होगा, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपके फ्रेंडशिप में हो, करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, जो भी हो, देर विल बी अ पैटर्न, ठीक है? बिकॉज कुछ ऐसा है जो आपको लगता है ख़त्म हो गया है, या आपको लगता है कि आप जीत गए हो उस चीज़ से, उस पैटर्न से, बट इट विल कम बैक अगेन टू टेस्ट यू। डोंट वरी, डोंट फील स्कैर्ड टू टेस्ट यू, बिकॉज यहाँ पे लेसन है एंड द यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू कि क्या आपने अपना लेसन सीखा है। ये जो भी पैटर्न है, ये जब फॉलो होगा, ये जब फिर से आएगा आपके लाइफ में, दिस थिंग, क्या आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, या फिर आप वापस से कॉन्फ्लिक्ट फील करोगे, आप वापस से उस कॉन्फ्लिक्ट में डूबते रहोगे, खुद को डाउट करोगे, सेल्फ डाउट पे चले जाओगे, व्हाट विल हैपन? सो कुछ एक एंडिंग हुआ तो है, बट इट वाज अ फॉल्स एंडिंग। ये सर्कल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पाइसीज, ये द कर्मा इज नॉट ओवर, एंड प्लीज प्लीज प्लीज, ये नेगेटिव नहीं है, दिस इज़ नॉट नेगेटिव, दिस इज़ नॉट अ थ्रेट, या फिर ये आपको डराने के लिए भी नहीं है, दिस इज समथिंग दैट दैट कैन बी वेरी सिंपल, ओके? सो आई थिंक यहाँ पे आपको लगता है दैट समथिंग इज ओवर, मे बी आप दुखी हो उस चीज़ के लिए। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज एक रिलेशनशिप है, ठीक है? आपको लगता है ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया है, आपको दर्द हुआ, आपको पेन हुआ, आप मूव ऑन कर गए, या करने की कोशिश कर रहे हो, या वॉट एवर, बट सडनली दिस पर्सन टेक्स्ट यू, एंड माइंड यू ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, टॉक्सिसिटी था, नार्सिसिज्म था, बट आप इस पर्सन से प्यार करते थे, एंड ये पर्सन वापस आ गए, वॉट विल यू डू? क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे विथ डिसरेस्पेक्टिंग योर सेल्फ? एंड बिकॉज आपको आपको दिखा कि ये पर्सन नहीं बदले हैं, बट आप इस पर्सन से खुद से ज़्यादा प्यार करते हो, आप इस पर्सन के पास वापस चले गए, एंड सेम चीज़ रिपीट हुआ, बिकॉज इट्स अ पैटर्न, सेम चीज़ ही रिपीट होगा। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ चले जाओगे, नार्सिसिज्म ही आपको देखने को मिलेगा। बट वॉट इफ यू चूज योर सेल्फ, यू विल बी फ्रीड फ्रॉम दिस साइकिल। ये साइकिल तभी एंड होगा जब ये जो भी लेसन है, मैंने बस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया है। अब सब लोग मत बोलना कि मेरा रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिक हो सकता है ये रिलेशनशिप नहीं हो आपके लाइफ में, दिस कैन बी समथिंग एल्स। सो बी वेरी केयरफुल कि आपने जो भी लेसन लर्न किया है, सेल्फ लव, हीलिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, ये सब याद रखना, द यूनिवर्स विल टेस्ट यू, बट उस टेस्ट के बाद यू विल गेट योर एक्चुअल टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। आपने जो प्रे किया है, आपने जो विश किया है कि मुझे ये स्टेबल सिचुएशन दे दो लाइफ में, मुझे ये नौकरी दे दो, मुझे ये रिलेशनशिप दे दो, मुझे एक ऐसा हस्बैंड या वाइफ दे दो, या मेरे घर वालों के साथ मेरा जो
रिलेशन है उसको अच्छा कर दो, जो भी है वो आपके लिए, वो स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगा. बट उससे पहले यू विल हैव टू प्रूव कि आपने अपने लेसन्स को सीखा है एंड यू नो योर वर्थ. पाइसिस, आप पुराने वाले पाइसिस नहीं हो, यू हैव लर्नड व्हाट यू हैड टू. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.